हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका कुकिंग विद जरीना में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा चलो आज कुछ मीठा हो जाए। आज हम सिर्फ एक गिलास दूध से स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाले हैं, तो आप बिना स्किप किए ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। बीच बीच में टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ मैंने एक गिलास तकरीबन ये 300 ml दूध है, ये फुल फैट दूध लिया है। इसे हम जाड़े तले के बर्तन में पकाएंगे। मैंने यहाँ नॉन स्टिक लिया है। दूध को हम अच्छी तरीके से पहले उबलने देंगे। दूध जब उबलने का स्टार्ट होगा उसके बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख के हम दूध को 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। फिर इसे हम जाड़ा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। टिप्स नंबर 1, एक साथ हमें दूध पाउडर ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा दो दो चम्मच ऐड करके हमें तकरीबन यहाँ पे 5 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है। तो ये बात ख़ास याद रखें कि मिल्क पाउडर को हमें ग्रेजुअली स्लोली स्लोली ऐड करना है। दो दो चम्मच ऐड करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये इसे लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। ये कंटिन्यूसली हमें इसे लगातार हिलाते हुए पकाना है, ये एक बात ख़ास याद रखिए। देखिए इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 1.5 कप करीब 150 ग्राम मैदा लेंगे। मैदे को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, लगातार हिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक भुनेंगे। ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस हम स्लो फ्लेम पे ही करेंगे, ये बात ख़ास याद रखना फ्रेंड्स। स्लो फ्लेम पे ही हमें मैदे को रोस्ट करना है 4 से 5 मिनट। उसके बाद एक एक चम्मच करके हमें घी ऐड करना है और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। टोटली यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून घी यूज़ किया है, लेकिन ये बात ख़ास याद रखिए कि घी हमें एक साथ नहीं डालना है। एक एक चम्मच ऐड करना है और फिर इसको मैदे में मिक्स करना है। इस तरीके से हम लगातार हिलाते हुए 4 से 5 चम्मच घी ऐड करेंगे और मैदे को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। ये बात आप खास फ्रेंड्स याद रखना। देखिए लगातार इसे हम हिलाते हुए भुनेंगे। अब हम इसमें 1 कप पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। जिस कप से हमने मैदा मेज़र किया था उसी कप से हम चीनी भी मेज़र करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप 1/4 कप ही चीनी लीजिए, क्योंकि वैसे भी हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है तो मिल्क पाउडर में भी स्वीटनेस होती है। इसलिए अगर आप कम खाते हैं तो 1/4 कप चीनी यूज़ कीजिए। इसे भी हम लगातार हिलाते हुए मिक्स करेंगे। फिर अब हम ऐड करेंगे दूध रबड़ी जो हमने ऑलरेडी बना कर रखी थी, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये पूरी प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे ही करनी है। देखिए यह हमने इसमें ऐड कर लिया, इसे भी हम लगातार हिलाते हुए मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका डो फॉर्म में नहीं आ रहा है ये, तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। क्या होता है कभी किसी के हाथ से मैदा ज़्यादा हो जाता है या तो फिर दूध कम होता है, तो ये शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वक्त में आप दूध ऐड करके इसे डो फॉर्म में ले आइए। देखिए लास्ट में मैंने यहाँ 1 चम्मच घी ऐड किया है और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लगातार हिलाकर इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कि डो फॉर्म में अब आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी बटर पेपर लगाकर ट्रे तैयार की है। अगर आपके पास इस तरीके के बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीस की हुई थाली या ट्रे में भी इसे सेट कर सकते हैं। और इसे गरम गरम ही सेट करना है, ये बात भी खास आप याद रखिए। यहाँ मैंने इसे काजू से डेकोरेट किया है। आप चाहे तो जो भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट से आप से डेकोरेट कर सकते हैं। अब 2 या 3 घंटे के बाद इसमें हम कट लगाएंगे। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी प्यारी लग रही है, देखकर ही खाने का मन करेगा। आप भी ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी।
मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रवा बर्फ़ी की रेसिपी चाहिए तो मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूंगी, आप वहीं से मेरे रवा बर्फ़ी की रेसिपी भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बाजार जैसी लगती है और सॉफ्ट भी है, बिल्कुल मावा टेक्सचर है, एकदम सॉफ्ट, एकदम हलवाई स्टाइल बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।